खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। खाना खजाना की पूरी टीम की ओर से, जो आप करीब 5 साल से आपके साथ है, आपको नई नई चीजें बता रही है, हम सब की ओर से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो पालक से बनी है। पालक इसलिए क्योंकि पालक मुझे खाने में बहुत पसंद है। अगर आपको याद हो, जब मैंने पहला एपिसोड किया था उसमें भी मैंने पालक की डिश बताई थी। 2 डिशेस थी और दोनों में पालक था। पहली थी शाम सवेरा और वो डिश इतनी पॉपुलर हुई कि आज तक कई लोग मुझे शाम सवेरा के नाम से जानते हैं, बाकी कुछ लोग खाना खजाना के नाम से जानते हैं, और आप जैसे लोग जो ध्यान से देखते हैं संजीव कपूर के नाम से जानते हैं। खैर, इन सब बातों को जाने दीजिए, देखते हैं पालक से बनी हुई एक डिश, पालक करी। इसके लिए हमें चाहिए 3 कप बारीक कटे हुए पालक के पत्ते, 1/2 कप पानी में भीगे हुए काजू, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच चीनी, 8 से 10 करी पत्ते, 2 बड़े चम्मच तेल, नमक स्वादानुसार और 2 छोटे चम्मच अमचूर। पालक करी के लिए आप पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धो लें, यानी रनिंग वाटर के अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई भी मिट्टी या रेत नहीं रहे। उसके बाद उसे आप एकदम बारीक चॉप कर लें। ये जो पालक के पत्ते हैं इसे हमने एकदम बारीक काट लेना है। अब इसे हम पकाएंगे। पकाने के लिए एक बर्तन में आप तेल ले लें। तेल जब गर्म हो जाए तब आप उसके अंदर ये राई डालें, और जब ये थोड़ी फूटने लग जाए तब आप इसके अंदर डालें करी पत्ते। करी पत्ते डालने के बाद आप इसमें डालें ये कटी हुई पालक। ये डिश काफी जल्दी बन सकती है, सिर्फ इसमें मेहनत लगती है पालक के पत्तों को साफ करने में, धोने में और उसके बाद उसको काटने में। इस पालक के पत्तों को थोड़ा सा हमने भूनना है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी के अंदर भीगे हुए काजू। काजू को करीब 1 घंटे तक आप पानी के अंदर भीगे रहने दें और उसके बाद इसके अंदर डालें। आप चाहें तो इसके साथ इसमें बादाम या पीनट्स भी डाल सकते हैं। इसके साथ इसे मिक्स कर लें, और अब एक बर्तन में आप बेसन ले लें और उसके साथ उसमें मिक्स करें अमचूर, यानी ड्राइड मैंगो पाउडर। अब बेसन और अमचूर में थोड़ा पानी मिलाकर इसे मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा पानी डालें, इसे मिक्स करें। पालक में अभी हम थोड़ा नमक डालेंगे। पालक की जब भी आप कोई चीज़ बनाएं उसमें नमक ध्यान से डालें, पालक में नमक बहुत कम लगता है। और अब पालक में डालें लाल मिर्च पाउडर। करीब 2 कप पानी आप इस बेसन और अमचूर में डालें। इसमें लाल मिर्च मिक्स कर देते हैं हम, और अब ये बेसन और अमचूर का पानी हम इसके अंदर डालेंगे। इसे मिक्स कर दें पालक के साथ। इसमें थोड़ा पानी और डालें, करीब 1 कप पानी इसके अंदर और डालकर इसे मिक्स कर लें। अब इसे उबालना है हमने। ये जब उबल जाएगा आप देखेंगे थोड़ी थिकन भी होगी और ये ग्रेवी बन जाएगी। वैसे जब भी हम पालक खाते हैं या तो उसको ड्राई फॉर्म में खाते हैं, उसको पका कर उसमें से पानी निचोड़ के उसको पीस कर तब खाया जाता है, या फिर उसकी जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें कोई ऐसी थिकनिंग नहीं डालते हैं। यहाँ पर हमने थिकनिंग डाली है बेसन की और पालक को सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया है। जब ये थोड़ा उबलने लग जाए तब आप इसके अंदर डालें चीनी और गरम मसाला पाउडर। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आप इसे मिक्स कर लें। जब ये उबलने लग जाए उसके बाद आप इसके ऊपर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर इसको करीब 10 मिनट तक पकने दें। 10 मिनट पकने के बाद एक ऐसी डिश तैयार हो जाएगी जो अपने आप में एक सब्जी की तरह से आप खा सकते हैं या दाल के रूप में। इसमें हमने बेसन डाला है जो चना दाल से बनता है और इसकी कंसिस्टेंसी भी वैसी है। खैर, आप कैसे भी रूप में खाएं ये डिश बहुत बढ़िया बनेगी, यानी पालक की करी। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन डिश बताऊंगा, बनेगी चिकन से। देखते जाइए चिकन को किस रूप में हम पका सकते हैं। बहुत ही नवाबी डिश है।
खैर इंतजार कीजिए, देखिएगा इस ब्रेक के बाद। इसके लिए हमें चाहिए 3 कप बारीक कटे हुए पालक के पत्ते, 1/2 कप पानी में भीगे हुए काजू, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच चीनी, 8 से 10 करी पत्ते, 2 बड़े चम्मच तेल, नमक स्वादानुसार और 2 छोटे चम्मच अमचूर। इसके लिए तेल में राई और करी पत्ता डालकर इसको भून लें। उसके बाद इसमें बारीक कटा पालक डालकर इसको मिलाएं। अब इसमें पानी में भीगे काजू डालकर इसको मिक्स करें। उसके साथ इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर को डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लें। अब एक बोल के अंदर बेसन और अमचूर पाउडर को डालकर मिला लें। उसके साथ इसमें 2 कप पानी मिलाएं और उसके बाद इस मिक्सचर को पालक के मिक्सचर के साथ डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें 1 कप पानी और डालें और इसे उबाल लें। उबलने पर इसमें चीनी और गरम मसाला पाउडर डालकर इसको ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक पकाएं और सर्व करें। पालक करी के बाद अब मैं आपको बताऊंगा मुगलाई चिकन रोल करी। वैसे ये रोल काफी तरह तरह के होते हैं, किस्म किस्म के होते हैं, जैसे फिल्मों का रोल। वैसे एक एस्किमो रोल भी होता है जो मैंने न्यूजीलैंड में सीखा। आप कनूइंग कर रहे हैं, अगर पानी में आपकी जो कनू है पलट जाए 360 डिग्री तो उसको एस्किमो रोल कहते हैं। अगर 180 डिग्री घूमे तो वो हाफ एस्किमो रोल होता है। खैर यहाँ पर देखते हैं जो हम रोल बना रहे हैं वो कैसे है। ब्रेड रोल नहीं है, चिकन रोल है। इसमें चिकन को रोल करना है। चिकन लीजिए, रोल कीजिए, चिकन रोल बन गया। इतना आसान नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी स्किल लगेगी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट करें, लिस्ट थोड़ी लंबी है, ध्यान से नोट करें। 4 बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, 2 बड़े चम्मच दूध, चुटकी भर केसर, नमक स्वादानुसार, बादाम और अखरोट की पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 20 ग्राम अदरक, 6 से 8 लहसुन के क्लव्स, 5 से 6 सूखी हुई लाल मिर्चें, 3 मीडियम साइज प्याज, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 कप टोमेटो प्यूरे, 1 कप दही, 4 बड़े चम्मच घी, 1/2 कप फ्रेश क्रीम, 2 बड़े चम्मच कैशोनट पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 1 बड़ा चम्मच पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए। इस डिश के लिए सबसे पहले हम चिकन रोल बनाएंगे। उसके लिए आप बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ले लें और इस चिकन ब्रेस्ट को हम 2 पीसेस के अंदर काटेंगे। ऐसे आप हाथ रख लें और इसे हॉरिजॉन्टली, यानी हमने इसको पतला करना है। इस तरह से आप काट लें। ये देखिए, ये जो चिकन है इसे आप काट लें और अब ये जो चिकन ब्रेस्ट है उसे आप इस तरह से नाइफ के उल्टी साइड से ऐसे फैला लें। ये जो दूसरा पीस है उसे भी। अब आप आमंड और वॉलनट पेस्ट, यानी बादाम और अखरोट, इन दोनों की पेस्ट बना लें। ये पेस्ट ले लें आप और इस पेस्ट के अंदर मिलाएं केसर, जिसमें थोड़ा गरम दूध मिला लें आप। इसे मिक्स करें और इसके बाद इसमें हम मिलाएंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, इसे सीजन करें नमक से और इन सब चीजों को मिक्स कर लें। इसके बाद ये जो चिकन के पीसेस हैं इसके ऊपर आप इसे लगाएं, ये जो पेस्ट हमने बनाई है इसे इसके ऊपर लगा दें आप और अब इसे हम फोल्ड करेंगे। ये पेस्ट लगाने के बाद आप इसे फोल्ड कर दें इस तरह से, क्योंकि ये काफी पीस पतला है, या आराम से फोल्ड होगा। अब देखिए, ये तैयार हो गया चिकन रोल। इसके बाद ये जो चिकन रोल हमने बनाए हैं इसको हम बांधेंगे धागे से, लेकिन उससे पहले इसकी ग्रेवी की हम तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए आप घी ले लें। इस गरम घी के अंदर आप डालें
प्याज जिसे हमने ग्राइंड किया है और इसे भूनना है हमने। अब हम इसे बांधते हैं, जो चिकन रोल है इसे आप धागे से, धागा ले लें एक तरफ से इस तरह से, आप धागे से इसको बांध दें ताकि ये खुले नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि खाने से पहले इसे आप खोल लें। देखिए धागा हमने बांध दिया है। इसके बाद इन चिकन रोल को हम पकाएंगे। पकाने के लिए एक पैन में आप मक्खन, घी या तेल कुछ भी ले लें, उसे गर्म करें और अब इसे हम पकाएंगे। ये जो हमने पेस्ट बनाई थी उसके अंदर इसको एक बार फिर रोल करें और रोल करने के बाद इसके ऊपर मैदा लगाएं इस तरह से, और अब इसे आप पकाएं घी या तेल के अंदर। बाकी जितने रोल हैं उसके ऊपर भी ये लगा दें मसाला, मैदे में रोल करें इसे, इस तरह से रोल करें और इसे पका लें। इस चिकन रोल को हमने पकाना है इस तरह से कोट करके, पलट लें आप इसको, गरम घी, तेल या मक्खन के अंदर इसे पकाएं आप। दोनों तरफ जब इसमें थोड़ा रंग आ जाए आप इसके ऊपर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर इसी की भाप में इसको पकने दें। साथ साथ ये जो प्याज है ये भी भुन रहा है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तब तक एक पेस्ट हम बनाते हैं और वो पेस्ट है अदरक, लहसुन और सूखी हुई लाल मिर्चों की। आप इसकी पेस्ट बना लें। वैसे आजकल ज़्यादातर पेस्ट बाज़ार में मिल जाती हैं, लेकिन जो फ्रेश पेस्ट होती है उसका कुछ अपना ही फ्लेवर होता है। इसके अंदर आप पानी मिलाएं। अब ये पेस्ट तैयार हो गई है और इस पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे इस ग्रेवी में हम, जो ये प्याज भुन रहे हैं उसके अंदर इसको डालें आप, इसे प्याज के साथ भून लें आप। अदरक लहसुन और लाल मिर्च की पेस्ट जब आप डाल लें उसे भून लें, उसके बाद इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। इसमें डालें हल्दी और धनिया पाउडर। इन दोनों मसालों को भी भूनना है हमने इसके अंदर, ताकि जो हल्दी की कच्ची स्मेल है, जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब ये जो चिकन रोल हैं उसे चेक करते हैं हम। ये अब पक चुके हैं, तैयार हैं अब ये। इसे अब हम बंद कर देते हैं। आप इसको इसी तरह से गर्म रहने दें, ढक कर रहने दें इसे। और अब इस मसाले के अंदर हम डालेंगे टोमेटो प्यूरे, और टोमेटो प्यूरे डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। इसके अंदर अभी तक हमने सिर्फ प्याज डाला है, अदरक लहसुन डाला है और सूखी हुई लाल मिर्चें पेस्ट बना के डाली हैं, और इसके अंदर हल्दी और धनिया पाउडर डाला है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो रिच है वो नहीं डाली। जितनी मेहनत हमने इन रोल को बनाने में की थी उसके अंदर काफ़ी रिच फ्लेवर्स डाले थे, सैफरन डाला है, बादाम डाला है, अखरोट डाला है, ऐसा अभी तक इस ग्रेवी में कुछ नहीं हुआ। तो इस ग्रेवी को भी थोड़ा रिच बनाते हैं। इसमें हम डालेंगे कैशूनट की पेस्ट और आमंड और वॉलनट की पेस्ट। इसमें थोड़ा पानी मिलाएं आप। पानी मिलाकर इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे, अगर ये बहुत गाढ़ी रहेगी पेस्ट तो इसको मिलाने में काफ़ी मुश्किल होगी। अब इसके मसाले में से, अब ये जब तेल बाहर निकल आए तब आप इसके अंदर डालें ये काजू, आमंड और वॉलनट की पेस्ट। इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें। अब देखिए, अब रिचनेस आई है इस ग्रेवी के अंदर। वैसे जो नॉर्मली ग्रेवी होती हैं या तो वो रिच होती हैं या फिर स्पाइसी होती हैं,
लेकिन इस ग्रेवी में हमने जो सूखी हुई लाल मिर्चें डाली हैं वो काफ़ी मात्रा में डाली हैं, और इसके अंदर भी हमने सैफरन का भी इस्तेमाल किया था, रेड चिली पेस्ट का भी इस्तेमाल किया था, यानी ये स्पाइसी भी है और साथ साथ रिच भी है। अब इस ग्रेवी के अंदर पानी डालकर करीब 10 मिनट तक आप इसको पकाएं। इसको पकाने के लिए आपको इस बर्तन के पास में खड़े रहना पड़ेगा और इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना पड़ेगा। अब इसे हमने इसे पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम और दही। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर दें। दही और क्रीम डालने के बाद ये जो चिकन रोल हमने बनाए हैं इसमें से इसका धागा निकाल के आप इस ग्रेवी के अंदर इसे डालें। ये ग्रेवी में डालने के बाद ये डिश तैयार नहीं हो गई है, अभी इसमें थोड़ा सा समय है। इसके बाद इसमें आप डालें नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। अभी ये डिश तैयार नहीं हो गई है क्योंकि अभी इसमें पकना बाकी है चिकन रोल को, वो भी दम में ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर इसको 10 मिनट तक पकाएं। जब 10 मिनट तक आप इसको पका लेंगे उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी चिकन रोल की डिश तैयार हो जाएगी, जिसकी ग्रेवी उससे भी बढ़िया है। क्यों, मुंह में पानी आ रहा है ना? खैर, मैं तो अभी मज़ा ले सकता हूँ इसका। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे बनाने, खाने और खिलाने में। इसके लिए हमें चाहिए 4 बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, 2 बड़े चम्मच दूध, चुटकी भर केसर, नमक स्वादानुसार, बादाम और अखरोट की पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 20 ग्राम अदरक, 6 से 8 लहसुन के क्लव्स, 5 से 6 सूखी हुई लाल मिर्चें, 3 मीडियम साइज प्याज, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 कप टोमेटो प्यूरे, 1 कप दही, 4 बड़े चम्मच घी, 1/2 कप फ्रेश क्रीम, 2 बड़े चम्मच कैशोनट पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 1 बड़ा चम्मच पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए। इसके लिए चिकन ब्रेस्ट को बीच में से काटकर उसके पतले स्लाइस कर लें। उसके बाद बादाम और अखरोट की पेस्ट में दूध में भीगा केसर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर इसे मिला लें और इस मिक्सचर को चिकन ब्रेस्ट के ऊपर लगाकर इसके रोल बनाकर इसके ऊपर धागा लपेट लें। इसके बाद इन रोल्स को बची पेस्ट से कोट करें, उसके ऊपर मैदा लगाकर इसे घी के अंदर फ्राई कर लें। अब एक पैन में घी लेकर इसमें प्याज की पेस्ट डालकर इसे भूनें। उसके बाद एक मिक्सी के अंदर अदरक, लहसुन और सूखी लाल मिर्चों में पानी डालकर इसे पीस लें और इस पेस्ट को भुनी प्याज की पेस्ट के साथ डालकर इसे भूने। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालकर इसको मिलाएं, साथ में टोमेटो प्यूरी को डालकर मिक्स करें। अब काजू की पेस्ट में बादाम और अखरोट की पेस्ट को डालें और इसे पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाकर इसे भुनी प्याज के मिक्सचर में डालकर मिलाएं। अब इसमें पानी डालकर इसको 10 मिनट तक पका लें। इसके बाद इसमें फ्रेश क्रीम और दही को डालकर मिलाएं। अब चिकन रोल्स के ऊपर से धागा निकालकर इसे ग्रेवी में डालें। इसमें नमक, बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटा पुदीना डालकर इसे ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक पकाएं और सर्व करें।